अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है बीएस बर्ड। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज जिसके पास भी पिजन्स हैं, चाहे वो देसी हों या फैंसी हों, कोई से भी हों, लेकिन वैक्सीनेशन एक अहम चीज़ है जो उनको करानी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा, जैसे विंटर स्टार्ट होने वाला है सीज़न, तो आज मैं बताऊँगा कि कौन सी वैक्सीनेशन विंटर से पहले कराई जाती है और कब कब कराई जाती है और क्या उसका असल तरीक़ाकार है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। जी हाँ नाज़रीन, तो जैसे कि आपको पता है विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो विंटर सीज़न स्टार्ट जब होता है तो सबसे पहले हम NDIV करवाते हैं, क्योंकि इसमें नज़ला, खांसी, लकवा जैसी बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। लेकिन अभी जैसे कि हमें NDIV जो वैक्सीन है नहीं मिली है, तो हमने यहाँ एवेन्यू ली है। एवेन्यू के बिहाफ पे भी हम ले सकते हैं। ये भी रानीखेत और बीमारियों के लिए होती है, सारे वायरस के लिए। एक अच्छी क्वालिटी की होती है ये, NDIV से थोड़ी सी हल्की लेकिन होती अच्छी है। तो ये हमने ले ली है और यहाँ पे इसके साथ इसका ये ड्रॉपर होता है, साथ में मतलब पानी होता है। ये सारी वैक्सीन कोई सी भी आप लेंगे क्वालिटी की, तो वैक्सीन ये पानी आपको मिलेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसको हमें हमेशा इसके अंदर डिप करते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको कि इसके अंदर जब वैक्सीन मिक्स करेंगे तो फिर इसके अंदर डिप करेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर गर्म नहीं होना चाहिए। तो अभी जब इसके अंदर मिला लेंगे तो फिर इसके डिप करके ही हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये गर्म बिल्कुल ना पड़े। तो चलें अब आपको बताते हैं इसका प्रोसेस। जी हाँ व्यूवर्स, तो यहाँ पे मैंने इस वैक्सीन का ढक्कन जो है कैप हटा दिया था, और अंदर जो था एक टैबलेट फॉर्म में था, तो उसको मैंने अंदर से एक तिंकी की मदद से इसको बिल्कुल पीस लिया। तो अब यहाँ से मैंने ये हटा देना है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन जो है आप पाउडर फॉर्म जो है वो इसमें डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें जो पानी है वो मैंने इसमें करना, अच्छा ज़्यादा इसको बिल्कुल शेक नहीं करना होता। मैंने सुना है काफ़ी लोग जो होते हैं वो मना कर रहे होते हैं, तो इसमें शेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया जैसे कि, और ये इसमें जो होता है ऊपर का होता है ये इसमें लगा दिया। बस हल्का फुल्का से इसको शेक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। लाइक जैसे कि ऊपर नीचे लोग लोग हिलाते हैं बहुत ज़ोर से, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। बस थोड़ा सा इसको यूँ आराम से करना है, और देखें फ़ौरन से ये डिज़ोल्व हो जाएगा, आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा होगा। देखिए कितनी जल्दी डिज़ोल्व हो गया, और अब इसको फ़ौरन से ये गर्म ना पड़े इसलिए इसके अंदर रखना होता है। और अब चलते हैं वैक्सीनेशन की तरफ, सारे पेशेंट्स की तरफ। तो जी देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने धनिश लिया है, तो यहाँ पे इसका मुंह खोल के एक ड्रॉप जो है सिर्फ इसके मुंह में जाएगा, और एक ड्रॉप जो है किसी भी आँख में आप डाल सकते हैं। इस तरह डाल दिया और इसको फिर अपनी जगह पे जहाँ पे भी है वहाँ छोड़ दें, जहाँ से निकाल। अच्छा जी व्यूअर्स, एक बात का आपको ख़ास ख्याल रहे कि जब वैक्सीन आप करवा रहे हों तो वैक्सीन का टाइम मतलब इस तरह होना चाहिए कि सूरज ढल रहा हो और मगरिब ना हो। जैसे कि हम असर के बाद कराते हैं जब सूरज ढल जाता है, और मगरिब से पहले का जो बीच का टाइम होता है, तो जब भी हम करवाते हैं इनको वैक्सीन, उससे मतलब सूरज जब हो जब ये वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए। और हमें काम ज़्यादा है, तो आप सबका इसी तरह, जिस तरह ये सारे वर्ड्स हैं, इन सब से हम एक एक करके इसी तरह वैक्सीन करेंगे और सबको इसी तरह एक आँख में और एक मुंह में ड्रॉप डालेंगे, और सारी वर्ड्स की विजन्स की है वो मुकम्मल करेंगे वैक्सीन। तो टाइम कम है, तो हमें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।